हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है रिपब्लिक डे, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे यानी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आप सभी हमारा जो राष्ट्रीय स्वीट्स है जलेबी, वो खाइएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे अच्छे से करिएगा। तो चलिए, आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है झारखंड पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, कैसे आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या होगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस पोस्ट को लेकर, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि झारखंड पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 4919, मतलब कि आपका 5000 के अप्रॉक्स सीट्स है। रेगुलर सीट्स है 3799 एंड बैकलॉग है 1120। ये सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाएगा, तो वो आप नोटिफिकेशन को एक बार थोड़ा आउट देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप्लाई के डेट की अगर बात करूँ तो 22nd ऑफ जैन से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, मतलब 22 जनवरी से फॉर्म स्टार्टेड है। लास्ट डेट आपका 21 फेब रहेगा, मतलब 21 फरवरी लास्ट डेट रहेगा। वहीं पर जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फी की अगर बात करें, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़ लिया जाएगा, एससी एसटी कैंडिडेट से 50 रुपीज़ लिया जाएगा। अब जैसा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप बिहार से हो या फिर आप यूपी से हो, वहाँ पर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी हो, तो आप यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे ना झारखंड स्टेट के लिए, तो वहाँ पे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो जनरल में ही आपकी काउंटिंग की जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट कब से कब तक आपकी काउंट होगी। तो एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 इयर्स। यहाँ पर जैसे कि कैंडिडेट्स का डिमांड था, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज की गई है एज की लिमिट में। जो आपका मिनिमम एज है वो काउंट होता है आपका 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग, वहीं पर मैक्सिमम एज जो 25 वर्ष है ना, ये आपका 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट भी हो तो आपको 4 साल का यहां पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का मिलता है, तो यहां पर जैसे कि जनरल को ही 4 इयर्स का मिल रहा है, तो ओबीसी को मिलेगा 7 इयर्स का और एससी एसटी को 9 इयर्स का मिल जाएगा। आई होप कि एज का क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। जैसे मैक्सिमम एज जो काउंट होता आपका 1 अगस्त 2023 के अनुसार, वो ना होके 4 साल पहले यानी 1 अगस्त 2019 से आपका मैक्सिमम एज काउंट होगा। और उसके बाद रही बात क्वालिफिकेशन की, तो जो जिन्होंने 10th पास कर रखा है सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या परसेंटेज है, सिर्फ पास कैंडिडेट सभी अप्लाई कर पाएंगे। अब रही बात कि आपका सिलेक्शन किन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा, तो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। पहले स्टेज पर फिजिकल होगी, दूसरे पे मेडिकल होगी, मतलब एक ही एट अ टाइम फिजिकल, उसके साथ मेडिकल, फिर होगा आपका रिटर्न एग्जाम, और उसके बाद आपका सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि पहले स्टेज पे फिजिकल होगा, तो क्या क्राइटेरिया है फिजिकल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल में सबसे पहले आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका शारीरिक माप किया जाता है, तो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। हाइट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट का एससी एसटी का मिनिमम है 155 सेंटीमीटर, अदर्स के लिए 160 सेंटीमीटर, मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का। फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी का 148 सेंटीमीटर रहेगा। और उसके बाद हम लोग चेस्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट जो काउंट होता है ना, वो मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। एससी एसटी का 79 to 84 सेंटीमीटर एंड अदर्स के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर होगा।
आदर्श बोले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो भी एससीएसटी के अलावा जो कोई भी होते हैं उनके लिए। उसके बाद पीईटी होती है आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब कि आपका उसमें शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो रनिंग का टेस्ट होगा, 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट यानी एक घंटे में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट्स को, और 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट्स यानी आधे घंटे में कंप्लीट करना है फीमेल कैंडिडेट्स को। तो ये तो आपका फिजिकल हो गया। जब फिजिकल में क्वालिफाई होंगे, रिजल्ट आएगा, तब जाके आपका एग्जाम होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, रिटेन एग्जाम पेन एंड पेपर मोड ओएमआर पर होगा। और आपको बता दूं कि ऑल इंडिया की वैकेंसी तो है बट ऑफलाइन है, इसलिए एग्जाम जो कंडक्ट होगा ना वो झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। आपको बताया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकली है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको वहां पर सेंटर दिया जाएगा, वहीं जाके आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। तो आप आगे देख लेते हैं कि एग्जाम आपका दो पेपर होता है, पेपर वन पेपर टू, 2 घंटे का मतलब पर पेपर होता है, तो टोटल मिला के 4 घंटे का पेपर हुआ। और अगर बात करें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क का। चलिए अब दोनों ही पेपर का देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न रहेगा। पेपर वन में टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, इसमें रीजनल या ट्राइबल मतलब कि आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, लोकल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, फिर आपका जनजातीय भाषा, इसमें से आपको 100 क्वेश्चंस होगा। क्वालिफाइंग है ये, इसमें आपको 30% मिनिमम आपको स्कोर करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज है तो कौन कौन सा लैंग्वेज वैलिड होगा, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, हो, बंगाली, मुंडू, मुंडा, उर्दू इत्यादि, मतलब कि ये सभी लैंग्वेज है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी से आपको 100 क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक कैंडिडेट को इतने सारे लैंग्वेज के बारे में पता होगा। आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आती है आपको, मान लो आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत के 100 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है तो उनसे हिंदी का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार से इंग्लिश और इतना सारा लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेज है, वो आप नोटिफिकेशन में क्लियरली से देख पाओगे। तो पेपर वन आपका 2 घंटे का होगा, उसके बाद जस्ट बाद आपका पेपर टू सेम डे कंडक्ट कराया जाता है। तो पेपर टू में आपका 100 क्वेश्चंस होता है 300 मार्क्स के लिए, टाइम रहेगा 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का ये भी पेपर है, निगेटिव मार्किंग 1 मार्क का रहेगा। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, हिंदी के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, मतलब 50 प्रश्न है 150, मतलब 1 क्वेश्चन 3 नंबर। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। सो ये आपका पेपर टू हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के आपका मेरिट तैयार होता है। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें अच्छा स्कोर कर लिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, कट ऑफ आपका पार हो गया। दोनों में जैसा आपको पता है ये क्वालिफाइंग है तो मिनिमम 30% बोला गया, तो इसका भी मार्क्स और इसका दोनों ऐड करके मेरिट बनेगा। और आपको पहले ही बता दिया कि एग्जाम सेंटर झारखंड में ही रहेगा। और उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप ज्वाइन कर लोगे तो सैलरी क्या मिलेगी मैं बता देती हूँ। सैलरी जो है आपको 21,700 21,700 रुपये से स्टार्टिंग होती है, और बाद में जब आपका सैलरी हर साल बढ़ोतरी होती है तो आपकी सैलरी 69,100 रुपीज़, मतलब 70,000 के अप्रॉक्स सैलरी हो जाती है। सो आई होप कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया हो जो बेसिक एक नॉलेज है। और रही बात की आपका जो भी वैकेंसी के बारे में बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या वैकेंसी रहेगी, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो आप जाओ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों ही जगह फॉलो कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो अच्छी बात, अदरवाइज कहीं पर कोई डाउट हो, मन में कंफ्यूजन हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।